जैसी संगत वैसी रंगत, बहुत बार सुना होगा ना जिंदगी में, जैसी संगत वैसी रंगत। हे नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर और एक लाइफ सर्टिफाइड ट्रांसफॉर्मेशनल कोच विकास यादव, आपका स्वागत है। यू आर द एवरेज ऑफ टॉप 5 पीपल दैट यू आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम विद। आप अपनी जिंदगी में वो बन पाते हैं या वो कर पाते हैं जिन 5 लोगों के साथ आप अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय व्यतीत करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना, अगर आप अपनी इनकम का एवरेज निकालना चाहते हैं, अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, तो जिन 5 लोगों के साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय निकालते हैं उन 5 लोगों की इनकम का एवरेज निकाल लीजिएगा, आपकी इनकम आ जाएगी। अगर आप अपनी लैंग्वेज निकालना चाहते हैं, आपकी भाषा कैसी है, आपका बोलना आपका चलना कैसा है, तो आप अपने 5 दोस्तों की जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उन लोगों का बोलने का चलने का बैठने का एवरेज निकाल लीजिएगा, आपकी एवरेज निकल के आ जाएगी। अगर आप अपनी हैबिट्स देखना चाहते हैं तो उन 5 लोगों की हैबिट्स का एवरेज निकाल लीजिएगा जिनके साथ आप अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप अपनी खुशियां देखना चाहते हैं तो उन 5 दोस्तों की खुशियों का एवरेज निकाल लीजिएगा जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, आज आपको डिसाइड करना है, आपको देखना है आप किस तरीके के लोगों के बीच में रहते हैं, आपके दोस्त कौन हैं, आप अपने विचारों का आदान प्रदान किस तरीके के लोगों के साथ करते हैं। जिस तरीके के लोगों के साथ आप अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, आप अपनी सोच का आदान प्रदान करेंगे, आप वैसे ही बन जाएंगे। मेरे को एक बार मौका मिला किसी कंपनी के इवेंट में जाने का। उस कंपनी ने बहुत कम समय में बहुत ऊंचे और बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए। जब उसके सीईओ से ये पूछा गया कि सर हमें ये बताइएगा आपने इतने कम समय में ऐसा कैसे किया, आपने कहां से क्या सीखा, तो उसने कहा मैंने अपनी जिंदगी में कोई बहुत नया काम नहीं किया, हाँ लेकिन मैंने इतना जरूर किया जिस तरीके के लोगों के बीच में मैंने अपने आप को रखा वो लोग नेगेटिव नहीं थे, वो लोग अपनी जिंदगी में हाईली सक्सेसफुल थे। मैंने अपने आप को उन लोगों के बीच में रखा जो मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल थे, जो मेरे को रोज चैलेंजेस देके पूछते थे कि आज हमने ये किया तूने क्या किया, ना कि ये कह करके कि तू कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपने आप को उन लोगों के बीच में रखा जहां मैं रोज नया कुछ सीख सकता था। आप आज देखिएगा आप अपने आप को किस तरीके के लोगों के बीच में रखते हैं। आप आज फाइंड आउट कीजिएगा आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में और आपके रिलेटिव्स में और आपके इनर सर्कल में कौन कौन लोग हैं जिन लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी वो सुनाना चाहता हूं। एक बार एक कंपनी ने किसी दूसरे देश में अपना प्लांट लगाना था, जूता बनाने की फैक्ट्री थी, दूसरे देश में नई फैक्ट्री लगानी थी। उसने किसी एक बंदे को पकड़ा और उसको बोला कि भैया वहां जाकर के देख के आओ, अपने को एक नई फैक्ट्री लगानी है कि वहां पर कितनी संभावनाएं हैं। वो व्यक्ति वहां पर गया और उस व्यक्ति ने जब देखा कि यार यहां तो कोई जूता पहनता ही नहीं है, और बड़ा निराश होकर के उसने अपने मालिक के पास फोन किया कि सर हम यहां कंपनी नहीं लगा पाएंगे। उसने पूछा कि क्या हुआ, अरे बोले सर यहाँ तो कोई जूता पहनता ही नहीं है, और यहाँ कोई जूता पहनता नहीं है, हमारा जूता बिकेगा ही नहीं। उसने कहा एक काम कर अपना बैग पैक कर वापिस आ जा। मालिक ने दूसरे व्यक्ति को भेजा और जब वो वहां उतरा उसने देखा कि यहाँ तो कोई जूता पहनता ही नहीं है, लेकिन उसने अपने मालिक को निराश होकर के फोन नहीं किया, हताश होकर के फोन नहीं किया, उसने बड़े खुशी के साथ फोन किया। अरे बोला सर यहां तो आप एक फैक्ट्री लगाने की बात करते हो, यहां तो हमें 3-3 फैक्ट्रियां लगा देनी चाहिए। उसने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि हमें 3-3 फैक्ट्रियां लगा देनी चाहिए। उसने कहा साहब यहां तो सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, यहां के लोगों को जूता पहनने की इंपॉर्टेंस समझानी है, यहां के लोगों को यह बताना है कि जूता क्यों पहनना चाहिए, यहां तो कोई जूता पहनता ही नहीं है और हमारा जूता इतना बिकेगा हम सोच भी नहीं सकते। दो लोगों की सोच में अंतर देखिएगा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ये देखते हैं कि गिलास आधा खाली है या गिलास आधा भरा है। तो आप अपने आपको उन लोगों के बीच में सराउंड कीजिएगा। मैं अपने हिसाब से आप जिन लोगों के बीच में टाइम स्पेंड करते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन लोगों को
चार कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। पहली कैटेगरी वो है जो बहुत नेगेटिव लोग हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। ऐसे लोगों का साथ आप आज से ही छोड़ दीजिएगा, आज से उन लोगों को त्याग पत्र दे दीजिएगा जो सबसे ज्यादा नेगेटिव लोग हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा काम उन्होंने नहीं किया है। आपको ये करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, और जो अगली बात मैं आपको बोल रहा हूं वो सुनकर के शायद आप स्तब्ध रह जाएंगे। ऐसे लोग आपकी फैमिली में रह सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो आपने अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़ना नहीं है, लेकिन अपने विचारों को उनके साथ शेयर करना आज से बंद कर दीजिएगा। दूसरे लोग वो हैं जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में किया तो बहुत कुछ है, लेकिन वो अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। उनकी जो मेंटेलिटी है वो थोड़ी नीचे की लेवल की है, नेगेटिव है। उन लोगों को देख करके, उनके कार्यशैली को देख करके सीखिएगा, लेकिन अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने आशाओं को उन लोगों के साथ शेयर मत कीजिएगा। तीसरे लोग वो होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा नहीं किया, जो ठीक ठीक से लोग हैं, लेकिन वो पॉजिटिव लोग हैं। ऐसे लोग आपके दोस्त हो सकते हैं, ऐसे लोग आपके मित्र हो सकते हैं। उन लोगों के साथ अपने संबंध गहरे बनाइएगा, देखिएगा कि हम अपने रिलेशंस को कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं। चौथे लोग वो होते हैं जो हाईली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा भी किया है और जो पॉजिटिव भी सोचते हैं। ऐसे लोग आपके लिए आपकी इंस्पिरेशन हो सकते हैं। मेरी इंस्पिरेशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मैंने बहुत कुछ सीखा। वो हाईली मोटिवेटेड लोग थे और लोगों को इंस्पायर करते थे। आप भी ऐसे लोगों को ढूंढिएगा अपनी लाइफ में कि कौन आपके लिए रोल मॉडल है, कौन आपकी इंस्पिरेशन है और किन लोगों को आज से ही छोड़ देना चाहिए। सो मैं आपको वहीं से याद दिलाना चाहता हूं कि आप उन पांच लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिन पांच लोगों के साथ आप अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और हां, अगर आपके इनर सर्कल में ऐसे लोग हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, आज उन लोगों का साथ छोड़ करके उन लोगों का साथ पकड़ लीजिएगा जो जिंदगी में टॉप है। टॉप लोगों के साथ रहोगे तो हम भी जिंदगी में टॉप बन जाएंगे, आप भी जिंदगी में टॉप बन जाओगे। उन लोगों के साथ रहिएगा जो आपको चैलेंज देके पूछते हैं, आज मैंने ये काम किया और तूने क्या किया बता। वहां आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करोगे, वहां आप अपने आप को पॉजिटिव फील करोगे। और जहां आप अपने आप को एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करने लग जाते हो, वहां से आपकी जिंदगी ऊपर जाने लग जाती है, आपकी लाइफ ऊपर जाने लग जाती है। जो लोग आपकी जिंदगी को नीचे गिराते हैं उनको आज से छोड़ दीजिएगा और अपने आप को उन लोगों के बीच में स्थापित कर लीजिएगा। उन लोगों की कहानियां सुनना शुरू कर दीजिएगा जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे और बहुत ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।